हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आपकी पेपर थर्ड की यूनिट सेकंड को पढ़ रहे हैं। तो आपकी जो यूनिट सेकंड है इसके अंदर दो चैप्टर्स थे आपके। फर्स्ट था रेक्टिफायर्स का और सेकंड है ट्रांजिस्टर का। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर क्या था कि रेक्टिफायर्स थे, और रेक्टिफायर्स के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने रेक्टिफायर्स को पढ़ा था। और जो सेकेंड आपका चैप्टर है वो है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो चैप्टर है वो बड़ा चैप्टर है। ये यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड दोनों के अंदर है, ठीक है। ट्रांजिस्टर जो है यूनिट सेकंड और थर्ड दोनों यूनिट में डिवाइड है, ठीक है। हाफ पार्ट इसका यूनिट सेकंड के अंदर है और बाकी का जो हाफ पार्ट है वो यूनिट थर्ड के अंदर है, ठीक है। तो आपकी यूनिट फर्स्ट के अंदर भी दो चैप्टर्स थे, एक नेटवर्क थ्योरम्स का था और एक सेमीकंडक्टर्स का था। इसी प्रकार यूनिट सेकंड के अंदर आपके रेक्टिफायर और ट्रांजिस्टर हैं। रेक्टिफायर को हमने पढ़ लिया था, आज के लेक्चर में हम ट्रांजिस्टर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो ट्रांजिस्टर है इसके अंदर अपन आज के लेक्चर में कि ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या होता है, ट्रांजिस्टर के टाइप्स क्या होते हैं और प्रोसेस क्या होती है, ये सारा हम लोग आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर, इसका जो नाम है वो क्यों होता है ट्रांजिस्टर। इसकी जो मूलभूत क्रिया है ट्रांसफर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ट्रांसफर प्लस रेजिस्टेंस इसकी जो मूलभूत क्रिया है इसके कारण इसे क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर कहते हैं। जब हम ट्रांजिस्टर की प्रोसेस पढ़ेंगे वहां पर हम देखेंगे कि ये ट्रांसफर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस को ट्रांसफर किस प्रकार करता है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर की जो खोज हुई 1948 के अंदर हुई अमेरिका की बेल प्रयोगशाला के अंदर। और जो ट्रांजिस्टर हैं, जो भी हमारी मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, उन सब के अंदर किसको, ट्रांजिस्टर को यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो एम्प्लीफिकेशन के लिए, और स्विचिंग के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। प्रवर्धन के लिए और एज ए स्विच की तरह इनको यूज किया जा सकता है। ट्रांजिस्टर एक प्रवर्धक की तरह कब कार्य करता है, ठीक है, कि जो भी हमारे सिग्नल्स होंगे उनको एम्प्लीफाई कब करता है और कब ये स्विचिंग की तरह काम करता है, यानी जैसे कि कोई स्विच ऑन या ऑफ कंडीशन में होता है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर को ऑन या ऑफ कंडीशन के लिए यूज किया जा सकता है। ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन के अंदर और सेचुरेशन रीजन के अंदर होगा, ठीक है। तो वहां पर अपन लोग आगे स्टडी करेंगे कि ट्रांजिस्टर को किस तरह से यूज किया जाएगा, इनकी प्रोसेस पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो ट्रांजिस्टर होते हैं इनके पार्ट्स क्या होते हैं और इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था सेमीकंडक्टर्स का, वहां पर हमने डायोड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर भी क्या होंगे, एक अर्धचालक युक्ति है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इनको भी एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है और ये सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिस्टर होंगे, यानी अपने पास में जो डायोड था, डायोड के अंदर क्या था, एक पीएन जंक्शन होता था, ठीक है। पी प्रकार का जो अर्धचालक है और एन प्रकार का अर्धचालक है उसकी परमाण्विक संधि होती थी
और वहां पर हमें क्या मिलता है, जंक्शन डायोड मिलता है, पीएन जंक्शन डायोड मिलता है। पीएन जंक्शन डायोड के अंदर ये एक दिशीय युक्ति होती है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होती है, यानी जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस में रखते हैं तो ये क्या करता है, कंडक्शन करता है। जैसे मान लो इसको हमने पॉजिटिव से और इसे नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो वहां पर क्या होगा कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो ये करंट को फ्लो होने देता है, यानी इस कंडीशन के अंदर इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत कम होगा, और जब डायोड रिवर्स बायस के अंदर होता है तो वहां पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो डायोड के अंदर डायोड फॉरवर्ड बायस यानी अग्र बायस के लिए काम करता है और रिवर्स बायस फर्स्ट बायस में काम नहीं करता। तो ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होगा कि जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं इनके अंदर इनकी जो फॉरवर्ड बायसिंग है, यानी एक बायस को फॉरवर्ड और एक को रिवर्स रखा जा सकता है, यानी फॉरवर्ड बायसिंग की जो करंट है उससे रिवर्स बायस को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इसलिए जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो करंट कंट्रोल्ड डिवाइस होते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर के अंदर हम सेमीकंडक्टर्स को यूज करते हैं, यानी पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक ही होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि दो सेमीकंडक्टर सेम टाइप के लिए जाते हैं और तीसरा डिफरेंट होता है, यानी इनके बीच में जो सेमीकंडक्टर यूज करेंगे वो इनसे डिफरेंट होगा। ठीक है, तीन पार्ट्स होते हैं जिनमें से जो दो पार्ट होंगे वो सेम टाइप के सेमीकंडक्टर होंगे और बीच में हम कह सकते हैं कि एक अर्धचालक की पट्टी होती है जो कि इन दोनों से डिफरेंट टाइप के सेमीकंडक्टर की लगाई जाती है। तो यहां से अपने पास में ट्रांजिस्टर के अंदर तीन पार्ट्स हो जाएंगे और ये तीनों जिनमें से दो सेम होंगे और एक डिफरेंट होगा। तो इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी एन पी। और यहां पर अगर हम दूसरी बात करें तो क्या हो जाएगा, एन पी एन। तो ये जो हमारा पार्ट होगा इसे हम इमिटर, इसे कलेक्टर और इसे बेस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर के टाइप्स लिखते हैं। तो ट्रांजिस्टर के टाइप्स कितने हो गए, ट्रांजिस्टर को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अपने पास में ट्रांजिस्टर के दो टाइप्स हो गए, एक तो होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक अपने पास में होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो सिंबल है वो इस प्रकार होगा, एनपीएन। ठीक है, और इसका पीएनपी को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर के अंदर अपने पास में दो जो हमारे सेमीकंडक्टर सेम टाइप के हैं और एक डिफरेंट टाइप का होगा, तो इनमें से जो हमारे सेम टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें से एक पार्ट हमारा कहलाता है इमिटर उत्सर्जक। ठीक है, जो दूसरा सेम होगा वो कहलाएगा कलेक्टर संग्राहक। और तीसरा जो डिफरेंट होता है इन दोनों से उसे हम कहते हैं बेस आधार।
यानी इनके बीच में जो अर्धचालक पट्टी लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, तो जो इमिटर होता है, उत्सर्जक होता है, इसके जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होंगे, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जो होंगे, उनकी वजह से क्या होगी, करंट फ्लो होगी, यानी मैक्सिमम जो हमें करंट मिल रही है ट्रांजिस्टर के अंदर वो क्या होगी, इमिटर के जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, अगर हमारा एनपीएन है तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, और यदि पीएनपी है तो वहां पर होल मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। तो इमिटर के मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से हमें क्या मिलती है, करंट मिलती है। इसकी वजह से इमिटर के अंदर डोपिंग सबसे ज्यादा की जाती है। ठीक है, जब इन्हें पी एन और पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं, तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि हमारा पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा या एन प्रकार का अर्धचालक बनेगा, वो कब बनता है, जब इनमें अशुद्धि मिलाई जाती है, डोपिंग की जाती है। ठीक है, तो जो डोपिंग की जाएगी वो सबसे ज्यादा उत्सर्जक के अंदर होगी, इमिटर के अंदर होगी। ठीक है, उसके बाद में जो डोपिंग होती है वो संग्राहक के अंदर होती है, और सबसे कम जो डोपिंग होती है वो आधार के अंदर होती है, बेस के अंदर होती है। तो यहां से अपन देख सकते हैं कि अपने जो तीनों पार्ट्स हैं इनके अंदर बेस में सबसे कम डोपिंग है, और इनकी जो साइज होती है उसमें संग्राहक सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और उसके बाद में उत्सर्जक और आधार सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो ये अपने जो ट्रांजिस्टर है उसके इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके जो टाइप्स होते हैं वो दो टाइप हो गए, एनपीएन और पीएनपी। ठीक है, और जो एनपीएन और पीएनपी हम ट्रांजिस्टर लिखेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, तीन इसके पार्ट्स होंगे, इमिटर, बेस और कलेक्टर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ये सिंबल है, ये एरो जो हम लगाते हैं, तीर का निशान, वो किसे व्यक्त करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ट्रांजिस्टर को द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहा जाता है। ठीक है, इसे बीजेटी लिखते हैं। और दूसरा, ये करंट कंट्रोल्ड डिवाइस होती है, धारा नियंत्रित युक्ति होती है। ठीक है, यानी इनपुट जो हमारी करंट होगी उससे हम आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहां से अपने पास में ठीक है, तो इसके अंदर ये जो अपनी करंट कंट्रोल है, यानी करंट कंट्रोल वोल्टेज डिवाइस, इनपुट करंट से आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। और यहां से अब जो हमारे दोनों सिंबल हैं, एनपीएन और जो पीएनपी को हमने बनाया है, इसके अंदर एरो जो हम लगाते हैं वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। यानी एरो दो बातों को रिप्रेजेंट करता है, एक तो होगा कि ये हमेशा इमिटर पर होगा, यानी ये उत्सर्जक की स्थिति को बताएगा कि उत्सर्जक जो हमारा टर्मिनल है वो कौन सा है। दूसरा, इसके अंदर एरो की जो डायरेक्शन होगी, यानी तीर की जो दिशा होगी, वो कन्वेंशनल जो हमारी करंट है, यानी जो करंट फ्लो हो रही है ट्रांजिस्टर के अंदर, उसको बताएगा कि करंट की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो इस एरो से करंट की डायरेक्शन को और उत्सर्जक की स्थिति को बताया जाता है। तो यहां से अपने पास में ट्रांजिस्टर के टाइप्स और ट्रांजिस्टर के सिंबल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसकी प्रोसेस को देखते हैं कि ट्रांजिस्टर की प्रोसेस
किस प्रकार होती है। ठीक है, इसके सिंबल्स को बना लो। एक अपना जो ये एरो होगा वो इसको भी रिप्रेजेंट करेगा कि ट्रांजिस्टर कौन से टाइप का है। एरो की डायरेक्शन अगर बाहर की ओर होगी तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा, और अगर अंदर की ओर है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होता है कि अपने तीनों पार्ट्स हैं, ये अपना इमिटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। ठीक है, हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर से बना है, ये पी टाइप से बना है और ये एन टाइप से बना है। तो इसके अंदर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे लेकिन इसके अंदर कम होंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा डोपिंग इसके अंदर की जाती है, इमिटर के अंदर, उत्सर्जक के अंदर। फिर पी टाइप जो होंगे अपने पास में, यानी जो हमारा बेस है, इसके अंदर होल होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अपने पास में एन और ये पी होगा और ये एन है। तो हमारा ये जो पार्ट है वो इमिटर है, ये कलेक्टर है और ये बेस है। तो यहां से क्या होगा कि सबसे पहले सबसे ज्यादा डोपिंग किसमें होती है? इमिटर के अंदर होती है, उत्सर्जक के अंदर होती है। उत्सर्जक से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आधार की ओर गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की गति आधार की ओर होगी, यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स इस दिशा में गति कर रहे हैं, विसरण कर रहे हैं, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? अपोजिट होगी। ठीक है, चिरसम्मत जो धारा होती है, कन्वेंशनल जो करंट होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। और होल जो गति करेंगे वो इस साइड करेंगे। ठीक है, और होल की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन ही होती है और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो करंट होगी ट्रांजिस्टर के अंदर वो इस डायरेक्शन से होकर के फ्लो होगी। यानी करंट जो अगर हम बात करें इमीटर टर्मिनल की, तो वो बाहर निकलती हुई होगी। इसीलिए जब एनपीएन का सिंबल बनाते हैं, ठीक है, तो ये जब अपना बाहर लिख लो, एनपीएन जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ये ई टर्मिनल है, ये अपना सी टर्मिनल है और ये बी टर्मिनल है। तो
करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इस ट्रांजिस्टर से हम देख सकते हैं बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो यहां से अपने पास में बाहर की ओर इसकी डायरेक्शन होगी और यहां पर ये जो अपना टर्मिनल है वो बेस टर्मिनल हो जाएगा और ये ई टर्मिनल, क्योंकि जो एरो होता है वो हमेशा हम उत्सर्जक पर शो करते हैं। और ट्रांजिस्टर का प्रकार क्या हो जाएगा, अगर ये बाहर निकलती हुई है तो ट्रांजिस्टर एनपीएन टाइप का होगा। अब बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन के अंदर हो, सक्रिय क्षेत्र में हो, या ट्रांजिस्टर के प्रचालन के लिए, उसकी ऑपरेशन के लिए क्या होगा, किसकी जो ईबी संधि होगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर दो जंक्शन बनेंगे, दो संधियां होंगी, एक तो होगी ई और बी के बीच में, एक सीबी जंक्शन होगा। ठीक है, बेस कलेक्टर के बीच में। तो यहां पर क्या होगा कि जब फर्स्ट जो हमारी होगी यानी ईबी जो बाइसिंग होगी वो फॉरवर्ड होगी, तो इसको फॉरवर्ड रखने के लिए एन को किससे कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव से, और ये जो बाइसिंग होगी वो रिवर्स होगी, तो यहां से इसको रिवर्स रखने के लिए इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, इस टर्मिनल से प्रतिकर्षित होंगे, वो इस आधार क्षेत्र के अंदर पहुंचते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स गति करेंगे तो आईई करंट मिलती है। ठीक है, इस करंट को, इस धारा को उत्सर्जक धारा कहते हैं। जब ये बेस के अंदर पहुंचते हैं, बेस में भी क्या होगा, इन होलों के विस्तरण के कारण यहाँ पर कम डोपिंग की जाती है, लाइट डोपिंग होती है, लेकिन यहाँ पर होल्स होते हैं, तो इन होलों के विस्तरण के कारण यहाँ पर भी एक करंट फ्लो होती है, जो कि जिसका योगदान किसके अंदर होगा, आईई के अंदर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन करंट की यही रहेगी। ठीक है, होल अगर इधर गति कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन यही होगी, तो आईई जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और इन होलों की वजह से, दोनों की वजह से अपने को मिल जाएगी। तो यहां से अपने पास में अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इमीटर से बेस के अंदर पहुंचते हैं, तो क्या हो जाएगा कि कुछ होलों का, होल के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का प्रग्रहण हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स बी के अंदर पहुंचते हैं वो सारे के सारे संग्राहक में नहीं पहुंच पाते। ठीक है, अब जो अपने पास में बायसिंग जो है, फर्स्ट जो अपनी क्या है, फॉरवर्ड है ये। ठीक है, फॉरवर्ड के अंदर है तो यहां पर डिप्लेशन लेयर क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और ये वाली अपनी जो बायसिंग है वो डिप्लेशन लेयर ज्यादा होती है, क्योंकि ये रिवर्स है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और आधार को इस प्रकार रखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स इसको पार कर सके, तो यहां से सारे इलेक्ट्रॉन्स जितने आधार में पहुंचते हैं वो सारे के सारे इसमें संग्राहक में नहीं पहुंच पाते, इसलिए जो आईसी हमें मिलेगी, यानी जब इलेक्ट्रॉन्स संग्राहक में पहुंचेंगे तो वहां पर जो करंट होगी वो क्या होगी, आईसी होगी, लेकिन आईई और आईसी इक्वल नहीं होती हैं। आईसी का मान आईई से कम होता है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें कलेक्टर में नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि इसकी जो फर्स्ट बायसिंग है इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, और इसकी जो सेकंड बायसिंग है वो फर्स्ट विसिक होने के कारण जो सेकंड जंक्शन होगा वहां पर जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ज्यादा होगा, यानी रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करता है, यहां पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, डिप्लेशन लेयर चौड़ी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार अपने को ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होगी, करंट मिलेगी, करंट की डायरेक्शन इस तरह से रहेगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो हो रहा है वो इस प्रकार होता है। अब ये अपना एनपीएन ट्रांजिस्टर है, अगर हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो जस्ट इसके अपोजिट प्रोसेस होती है। ठीक है, एक बार इसको बना लो।
नेक्स्ट टाइम बात करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की। पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होगा कि जो अपनी आईसी की डायरेक्शन ये हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो अब हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। ट्रांजिस्टर के जो मेन पॉइंट्स होंगे यानी ट्रांजिस्टर के बारे में अगर पूछा जाए तो किन किन को डिस्क्राइब करना होगा वो मैं आपको लिखवा दूंगी कि ट्रांजिस्टर के टाइप्स को, उसकी डायरेक्शन, जैसे करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से होती है, ठीक है। ट्रांजिस्टर का जो बीजेटी उसकी फुल फॉर्म क्या होगी, ठीक है, ये सारा मैं आपको पॉइंट्स लिखवा दूंगी। उन पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना होता है। तो एक बार इसको समझाने के बाद में कि ट्रांजिस्टर के एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर को हम पढ़ लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद में वो पॉइंट्स लिखवा दूंगी। तो यहां से हम देख सकते हैं कि अब जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो सिंबल होगा वो किस प्रकार हो जाएगा, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर जो एरो की डायरेक्शन होगी वो अंदर की ओर होती है, यानी जो करंट होगी इमिटर जो करंट होगी, उत्सर्जक धारा जो होगी वो इस तरह से होगी, क्योंकि यहां पर जो हमारा इमिटर है वो क्या है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर के बना है, और जो बेस है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर के बना है, और सी भी पी टाइप से बना है। तो यहां पर जो होल की डायरेक्शन होगी वही करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो यहां पर ये आईई की डायरेक्शन हो जाएगी और आईसी की डायरेक्शन इस प्रकार होगी, ठीक है। और ये हमारी आईबी होगी। आईबी धारा जो होती है वो आईई और आईसी का जो अंतर होगा इसके इक्वल होगी, ठीक है। यानी जो हमारी जितनी आईई होती है उतनी आईसी नहीं मिलती, क्योंकि सारे यहाँ पर चार्ज कैरियर्स नहीं पहुंच पाते हैं। इनका जो अंतर होता है वो हमारी क्या कहलाती है, बेस करंट कहलाती है। तो यहां से अब ट्रांजिस्टर के परिचालन के लिए, उसके ऑपरेशन के लिए क्या होगा कि जो ईबी जंक्शन जो होगा वो क्या रहेगा, फॉरवर्ड रहेगा। तो यहां पर फॉरवर्ड के लिए क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव से और इसको नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, और इसको हम लोग रिवर्स रखेंगे तो इसको पॉजिटिव से और इसे नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। तो अभी हम देख सकते हैं कि यहां से जब प्रोसेस सेम रहेगी जैसे कि उसमें एनपीएन के अंदर था, अब जब होलो का विस्तरण होगा, ठीक है, यहां पर रिकॉम्बिनेशन होगा
और इसके अंदर कलेक्टर के अंदर होल पहुंचते हैं और हमें कन्वेंशनल करंट मिलती है। तो ये ट्रांजिस्टर की प्रोसेस होती है पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर। यहाँ पर जो चार्ज कैरियर्स होंगे, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, वो होल होंगे, ठीक है। पी दोनों हमारे पी टाइप के हैं और बेस के अंदर क्या होंगे, चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ट्रांजिस्टर का जो प्रचालन है वो इस प्रकार रहेगा। अब जो विभव रोधिका की चौड़ाई थी, यहां बात करें विभव रोधिका जो होगी, जो अवक्षय परत यहाँ पर बनती है, ठीक है, बैरियर पोटेंशियल जो होगा वीबी का मान ईबी जंक्शन के लिए कम होगा, ठीक है, और बैरियर पोटेंशियल का मान इस जंक्शन के लिए सीबी जंक्शन के लिए क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस होती है और ये जो होती है वो फॉरवर्ड बायस होती है, ठीक है। अब हम इनकी बात करते हैं कि जो हमारी करंट और वोल्टेज हैं, इनके साइन क्या होंगे, यानी इनके साइन कन्वेंशन की हम बात करते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए कर रहे हैं हम लोग, तो जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है इस प्रकार होता है, ये ई टर्मिनल होगा और ये सी टर्मिनल होगा और ये अपना बेस टर्मिनल होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर के अंदर, ट्रांजिस्टर का आप लोगों ने कई बार इस प्रकार भी डायग्राम देखा होगा, तीन पैर शो किए होते हैं इसके, ठीक है। ट्रांजिस्टर जो होता है इसके अंदर जो अपने ई बी और सी टर्मिनल्स होंगे, इनकी जगह तीन इसके पैर जो होते हैं वो शो किए हुए होते हैं, ठीक है। तो यहां से जो अपने ट्रांजिस्टर जो होता है उसको नमी से बचाने के लिए इसको इस तरह से सील करते हैं, तो इसके जो तीनों टर्मिनल्स को बाहर रखा जाता है इस प्रकार से, तीन टर्मिनल्स, तो ये जो होंगे ई बी और सी, यानी ई और बी जो होते हैं वो पास पास होते हैं और बी और सी के बीच गैप होता है, ठीक है। तो इस प्रकार भी इसको शो करते हैं, ठीक है। तो अब हम साइन कन्वेंशन की बात कर रहे थे, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो अपने ई बी और सी टर्मिनल्स हैं और एन पी एन है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की ओर होगी। तो यहां से हम देख सकते हैं कि आई सी का साइन हम क्या लेंगे, आई ई का साइन क्या लेंगे और आई बी का साइन क्या लेंगे। तो करंट का जब हम साइन लेते हैं कि पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, वो किस पर डिपेंड करेगा कि करंट जो है वो हमारा जो ट्रांजिस्टर हमने बना रखा है उससे अगर बाहर निकलती हुई होगी तो वो पॉजिटिव होगी और अगर बाहर निकलती हुई है तो वो नेगेटिव होगी, ठीक है, और अंदर आती हुई होगी तो वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। इसी प्रकार जो हमारा ईबी जंक्शन है, ईबी जंक्शन क्या होगा, यहां पर हमारा जो वोल्टेज होगा वो वीईबी होगा, ये जो वोल्टेज होगा वो वीसीबी होगा और इसके लिए सीई होगा, ठीक है, ये अपना वीसीई होगा, ठीक है। तो इन तीनों के लिए भी हम साइन को देखते हैं, इनका साइन क्या होगा। तो यहां से वोल्टाउन के लिए जो अपने साइन ठीक है, जो अपने वोल्टेज होती हैं इनके लिए साइन वीईबी, वीसीबी और वीसीई, इनके लिए किस प्रकार से डिफाइन किए जाते हैं कि जो हम सबस्क्रिप्ट ले रहे हैं, ठीक है, ये जो सबस्क्रिप्ट होती है इसके अंदर हमने ई और बी लिखा है। यदि हमारा जो फर्स्ट
ये होगा पैरामीटर जो हमने लिया है, जैसे ई और बी है, अगर फर्स्ट पॉजिटिव से और सेकंड नेगेटिव से कनेक्ट होगा, यानी सेकंड के रिस्पेक्ट में जो हमारा फर्स्ट वाला है पॉजिटिव हुआ तो हम इसका साइन पॉजिटिव लेंगे, और सेकंड के रिस्पेक्ट में अगर ये नेगेटिव हुआ तो हम इसका साइन नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एनपीएन और पीएनपी दोनों के लिए डायग्राम बनाते हैं और फिर साइन लिखेंगे इनके। ठीक है, ये अपना पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पर हम आईबी आईसी और आईई तीनों के लिए इनका साइन लिखते हैं। ठीक है, तो हम आईई आईबी आईसी और ये अपने पास में वीईबी वीसीबी और वीसीई, तीनों हमारी वोल्टेज होंगी, ये अपना वीसीबी होगा और यहां पर अपना क्या हो जाएगा वीसीई हो जाएगा, ये अपना बेस टर्मिनल है। तो यहां से करंट की डायरेक्शन हम कैसे देखेंगे, अगर बाहर निकलती हुई है तो करंट की डायरेक्शन नेगेटिव लेंगे, अंदर आती हुई है तो उसे पॉजिटिव लेंगे, जैसे कि हम संधि के लिए लिखते हैं कि अपने पास में कोई पॉइंट होता है उस पर आती हुई करंट को हम पॉजिटिव और जाती हुई को नेगेटिव लेते हैं, उसी प्रकार अंदर आती हुई करंट को पॉजिटिव लेंगे। और वीईबी वीसीबी वीसीई के मान हम लोग अगर ई पॉजिटिव पे हुआ तो ये पॉजिटिव होगा, तो यहां से हम देख सकते हैं कि आईई का मान, आईई का मान क्या होगा इसके अंदर नेगेटिव होगा, आईबी का मान और आईसी का मान पॉजिटिव होगा। ठीक है, एनपीएन के लिए तो एनपीएन के अंदर आईई पॉजिटिव आईई नेगेटिव आईबी पॉजिटिव और आईसी पॉजिटिव होगी, और पीएनपी के अंदर आईई पॉजिटिव होगी आईबी और आईसी नेगेटिव होंगी। ठीक है, ये दोनों अपने पास में अंदर आती हुई होंगी, पीएनपी के अंदर ये दोनों करंट बाहर की ओर होंगी। ठीक है, और तो यहां से अपनी करंट की जो डायरेक्शन है सी के लिए और बी के लिए इस प्रकार होंगी, तो ये दोनों नेगेटिव होंगी। अब जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसके अंदर हम एन को किससे कनेक्ट करते हैं, फॉरवर्ड के लिए नेगेटिव से, और इसको हम रिवर्स रखने के लिए इसको पॉजिटिव से करते हैं। ठीक है, फर्स्ट बायसिंग जो होती है वो अपनी फॉरवर्ड होती है और सेकंड अपनी क्या होती है रिवर्स होती है। ठीक है, और इसी प्रकार अपने पास में पीएनपी के अंदर आ जाएगा, ये भी अपनी क्या रहेगी फर्स्ट फॉरवर्ड रहेगी और सेकंड रिवर्स रहेगी। तो हम देख सकते हैं कि ई टर्मिनल के अंदर जब अपना ये नेगेटिव से कनेक्ट है और बी किससे है पॉजिटिव से है, तो एनपीएन के अंदर वीईबी क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि ई टर्मिनल नेगेटिव पे है और बी पॉजिटिव पे है, तो फर्स्ट वाला अगर इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा। वीसीबी इसके अंदर सी पॉजिटिव पे है और बी नेगेटिव पे है तो ये अपना पॉजिटिव होगा, और वीसीई के अंदर सी पॉजिटिव पे है और ई नेगेटिव पे है तो ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर जस्ट अपोजिट हो जाएगा अपने पास में पी को हमने पॉजिटिव से और इसको हम कनेक्ट करते हैं नेगेटिव से और इसे पॉजिटिव से। ठीक है, तो यहां पर अपना ये वाला ई टर्मिनल क्या है, तो ई टर्मिनल अब बी के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव पे है। ठीक है, ई को हमने बी के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव पे रखा हुआ है तो ये पॉजिटिव होगा, और यहां पर सीबी के अंदर हमने सी को बी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव पे रखा हुआ है तो ये नेगेटिव होगा, और सीई के अंदर भी हम देख सकते हैं कि अपना सी नेगेटिव है और ई
पॉजिटिव है, तो सी नेगेटिव होने के कारण ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये अपने सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है ट्रांजिस्टर की, कि ट्रांजिस्टर के टाइप्स क्या होंगे, क्या क्या इसके पार्ट्स होंगे और किस तरह से हम डायरेक्शंस को शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके जो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उनको पढ़ेंगे।